हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग? आज हम केमिकल काइनेटिक के चैप्टर में यानी रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तो समय नहीं बर्बाद करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 99% कोट करने में लगा समय, ठीक है, उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का दुगना होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहां पे? देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिख देंगे। सबसे पहले तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का हम सूत्र लिख लेंगे, तो K बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हमको, क्योंकि समय का दुगना होता है यानी को टी निकालना है, तो के क्या है? वेग स्थिरांक है। के क्या है? वेग स्थिरांक, और टी क्या है? समय। हमको समय निकालना है, तो टी को इधर ले आओ, के को इधर, क्योंकि टी निकालना है, तो टी बराबर 2.303 अपान के लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। नोट कर लिया, क्या किया मैंने, इस टी को इधर ले आया, के को यहां ले आया, तो टी देखिए यहां आ गया, ओके यहां पर आ गया, और सेम वैसे ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं है। अब क्या करेंगे, 99% के लिए निकालेंगे, यहां पर 90% प्रथम कोट की अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय, प्रथम कोट की अभिक्रिया को कितने परसेंट, 99% पूर्ण करने में लगा समय, तो T बराबर क्या हो जाएगा, 99% बराबर 2.303 अपान के लॉग बेस 10, ठीक है। यहां टी कितने परसेंट के लिए निकाल रहे हैं, 99% के लिए 2.303 अपान के लॉग बेस 10। अब देखिए ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100% होती है, कितनी है 100%, तो प्रारंभिक सांद्रता 100, ठीक है। ए को क्या माना, 100, और यहां भी ए है तो ये हो जाएगा 100, और बताइए टी समय बाद सांद्रता कितनी हो गई, 99, तो 100 में से 99 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, टी 99% 2.303 अपान के लॉग बेस 10 और क्या आ जाएगा 100, ठीक, क्योंकि 100 में से 99 को घटाओगे तो बटे एक आ जाएगा, तो बटे एक लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो सीधे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर टी 99% 2.303 अपान के, और एक चीज ध्यान दीजिए हमेशा, लॉग बेस 10 अगर एक लिखा है तो इसका मान 0, लॉग बेस 10 अगर 10 लिखा है तो इसका मान 1, लॉग बेस 10 अगर 100 लिखा है तो इसका मान 2, और लॉग बेस 10 अगर लिखा है 1000 तो इसका मान 3 होता है, ठीक है। 10 तो 1, 20 तो 2, 30 तो 3, ऐसे याद रखें। तो लॉग बेस 10 100 का मान कितना होता है, देखें यहां पर कितना है 2, तो इसकी जगह उठा के कितना रख देंगे, इंटू 2, राइट भैया। ये आ गया आपका पहला समीकरण आ गया। आप देखिए आप किसके लिए निकालेंगे, अब निकालेंगे हम 90% के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय कितना है, समय दुगना हो जाता है, तो 90% के लिए निकालेंगे, तो यहां पर निकाल लेंगे टी 90% बराबर सेम 2.303 अपान के लॉग बेस 10, ए कितना है 100 है, 100, और एक्स कितना है, आपकी कितना है 90, पहले कितना था यहां पे 99 था, आपकी कितना है 90, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे क्या किया, अब ध्यान दीजिएगा 100 में से 90 गया, कितना बचेगा, तो टी 90% के लिए 2.303 अपान के लॉग बेस 10 100 अपान 100 में से 90 गया, कितना बचा 10 बचा, अब 10 में से 10 मैंने काट दिया तो कितना बचा आप बताइए, तो यहां पर 2.303 अपान के लॉग बेस 10, सिर्फ यहां क्या बचा 10, अभी मैंने 10 का मान बताया था, लॉग का कितना आएगा 1 आएगा,
कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर रख दोगे 90% के लिए लगा समय 2.303 अपान के, ये हो गया 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इतना ही मान रह जाएगा, तो 90% तो 2.303 अपान के, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, तो कर लो t99% t90%, ठीक, भाग कर दिया। t99 से हमने क्या किया, ये वाले समीकरण से हमने क्या किया, 90% को हमने भाग किया। तो पहले इसका मान रखो 2.303 अपान के गुणे 2 अपान, अब ये टी 90% का मान रखिए दूसरे समीकरण 2.303 अपान के, ठीक। अब क्या होगा, जो बटे में सबसे नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, तो t99 अपान 100% या 99%, तो इसको तो वैसे ही लिख लो गुड़े 2। अब ये k कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो k अपान 2.303, k से k कट गया, इससे इससे कट गया, क्या खाली बचा, 2 बचा, तो यहां लिख देंगे तो t99% यहां अपान क्या हो जाएगा 90% बराबर 2। तो इसको इधर ले आएंगे, ये देखिए हो गया 2 गुणे t90%, यही आंसर है, यही तो कह रहा है। प्रथम कोण की अभिक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय, उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का क्या हो जाता है, 90% जब पूरा होता है तो कितना समय लग जाता है, दुगना समय लग जाता है। तो ये देखिए लगे समय का दुगना होता है। सेम आपके सामने एक सवाल है, अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, और इसी बेस पे हम दूसरा सवाल अभी लगाने वाले हैं, तो देखिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, कितने समय, समय आ गया टी पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो देखोगे कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना है, यानी टी हाफ कितना दे रखा है, 60 मिनट दे रखा है, ठीक है। ये चीज जो हमको सवाल में दे रखती है वो हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। आप देखिए क्या होता है फॉर्मूला अर्धायु काल का, तो देखिए टी हाफ बराबर 0.6932 अपान के, के को कहां ले जाएंगे, इधर, और टी हाफ को कहां लाएंगे, इधर, तो के बराबर 0.6932 अपान टी हाफ। अब टी हाफ का मान 60 दे रखा है, तो के बराबर 0.6932 अपान कितना हो गया, ये 3 है, कितना है 3, अपान कितना हो जाएगा 60। तो वेग स्थिरांक का मान आपको पता चल गया। आप क्या करेंगे, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, तो क्या करेंगे, अर्धाई के बाद हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप लगाएंगे के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए माइनस एक्स। ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण लगाएंगे, के बराबर, देखिए के का मान दे रखा है, के का मान क्या दे रखा है, ये मान उठाइए और इस k की जगह पर रख दीजिए 0.6932 अपान 60 बराबर 2.303 t आपको निकालना है log बेस 10 a कितना है 100 है, प्रारंभिक सांद्रता 100 है, और ये 100 में से x यानी कितने परसेंट है 90% t समय में पूर्ण हो जाती है। आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए ये हो जाएगा, इसको ऐसे ही नोट कर देंगे 0.6932 अपान 60 बराबर 2.303 अपान टी और लॉग बेस 10 100। अब 100 में से 90 गया, यानी 100 में से 90 गया, कितना बचा 10, ये जीरो कट गया, तो बचा क्या 0.6932 अपान 60 बराबर 2.303 अपान टी और लॉग बेस 10, और ये 10, लॉग 10 का मान होता है 1,
तो वैसे ही नोट कर लें 0.6932 अपॉन 60, 2.303 अपॉन टी इंटू वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस टी को इधर ले जाएंगे, 60 को इधर ले जाएंगे, 0.6932 ठीक है गुड़े टी या 2.303 इंटू 60। आप इसको कहां ले जाएंगे, नीचे, तो टी बराबर 2.303 इंटू 60 अपान कितना हो जाएगा 0.6932। आप क्या करेंगे देख लीजिए, सबसे पहले इसको इस संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग नहीं करना चाहते हैं तो आप गुणा कर लीजिए, तो 6 3 18 ठीक है, फिर 6 3 18 हासिल गया एक, 6 2 12 1 13 और ये 0 बढ़ा दिया, का स्थान पर दशमलव है 3 स्थान, 1 2 3 यहां लगा दिया, अपान 6.6932। अब इससे इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यहां 0 बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4 स्थान पर दशमलव यहां है, 1 2 3 4 स्थान पर दशमलव यहां है, अब भाग कर लीजिए, नीचे वाली संख्या भाग में बाहर रहती है, ऊपर वाली कहां रहेगी, अंदर रहेगी, तो देखिए क्या करेंगे, इसको 6932138180 क्या करेंगे, वन बार लगाएंगे, तो लगाइए 6932, 8 में से 2 गया 6 बचा, यहां हासिल ले लिया, 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, यहां 1 7 में से 9 गया तो 7 यहां हो गया, 17 17 में से 9 चला जाएगा तो 8 बचेगा और यहां 12 में से 6 बचेगा। ठीक है, आप देखिए आप कितनी बार लग जाएगा, अब लग जाएगा आपका 9 बार, ये 0 उतार लीजिए, 9 बार लगाओ, 9 2 9 2 18 एक हासिल, 9 3 27 29, 2 गया 9 9 81 81 2 82 और 2 9 9 81 81 तो 83 हासिल गया 8 और 9 6 54 54 में 8 जोड़ दो तो हो गया 62, 54 में 8 जोड़ दिया कितने हो गए, 54 में 8 जोड़ दोगे तो 62 ही होगा। ठीक है, आप घटा लीजिए, यहां 10 में से 8 गया 2, यहां 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, 7 ही तो बचेगा और यहां कितना बचा 8, 8 में से 3 गया 5, यहां 8 में से 2 गया कितना बचा 6 बचा, फिर 11 0 डाल दिया, फिर 9 बार गया वही चीज, 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 9 3 2 6 घटा दीजिए, कितना घटाने पे आएगा 2, हासिल लिया 12 में से 9 गया, यहां एक हासिल 11 में से 9 गया 2 बचा, यहां कितना बचा 6 में से 3 गया 3, यहां 3 दशमलव लगाया, अब कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 बार करके देखिए दशमलव लगा दिया है, 0 बढ़ा लीजिए तो 3 2 6 3 3 9 3 9 27 कर दो, 3 6 18 18 2 20 ठीक है, तो मुझे लगता है ज्यादा बार लग जाएगा, शायद घटाने में कुछ गलती कर दी है, देख लीजिए 8 में से 2 11 में से 2 गया और यहाँ 6 में से 3 और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 ही आया। ठीक है, ठीक है, और अगर हम लोग देख लें यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ 4 ठीक है, यहाँ 11 में से 2 यहाँ बचा 11, 11 में से 7 4 11 3 1 तो भैया 4 बार, कितनी बार लग जाएगा, मेरे ख्याल से 6 बार लग जाएगा, 6 बार लगाए, लगा के देखो 6 2 12 फिर हासिल कितना गया 1, 6 3 18 1 19 फिर हासिल 6 9 54 54 एक कितना हो गया 55 ठीक है, फिर हासिल 55 हासिल गया 5, 6 6 36 और 36 में 5 41 ज्यादा हो गया यार, कितनी बार 4 बार ही लगाओ तो आंसर आएगा टी बराबर 1999.4। इतना आंसर आपको इतना समय लगेगा, ठीक है इतना समय लगेगा, तो एक बार भाग आप भी करके देख लीजिएगा, ये सवाल आपका है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, अर्धायु
यहाँ पर वेग स्थिरांक निकाल लिया, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण रखा, इस वेग स्थिरांक का मान हमने क्या किया यहाँ पर रख दिया, और हमने क्या किया 100 में से 90 को घटाया तो कितना आ गया 10 में से 100 को एक जीरो काट दिया तो 10 बचा, लॉग 10 का मान कितना होता है 1 होता है तो 1 रख दिया। अब क्या किया, इस t को इधर ले गया और 60 को इधर ले गए, तो ये देखिए यहाँ पर 60 आ गया। अब इसको कहाँ ले आए, नीचे ले आए, जब नीचे लाए तो हमने 60 और इस संख्या का हमने गुणा कर दिया और नीचे वाली संख्या जो थी उससे भाग कर दिया तो 99.4 आया। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। ठीक है, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो 60 मिनट में 75% कंप्लीट कर लेती है, इस अभिक्रिया की अर्धाई ज्ञात कीजिए। यानी ये पूछ रहा है कि टी हाफ क्या होगा, इसका अर्धाई क्या होगा। ठीक है, तो आप कैसे इस सवाल को लगाएंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए आप क्या करोगे, अर्धाई ज्ञात करना है तो पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है, k बराबर 2.303 अपान पी लॉग बेस 10 क्या होगा यहाँ पे a अपान a माइनस एक्स। ठीक, तो आपको k 2.303 t कितना दे रखा है 60 मिनट लॉग बेस 10 a है 100% और ये 100 में से कितना पूर्ण हो जाती है 75। ठीक है, कितना पूर्ण हो जाती है 75, तो क्या करेंगे k बराबर 2.303 अपान 60 log बेस 10 100, आप 100 में से 75 चला गया बचा 25। ठीक, आप क्या करेंगे 25 चौको 100, तो k बराबर 2.303 अपान 60 log बेस 10 4। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे तो k बराबर 2.303 अपान 60 और इस 2 को तोड़ेंगे तो 2 into 2, और जो 2 होगा उसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या करेंगे log 2 का मान हमको सिर्फ रखने को रह जाएगा। ठीक है, तो log 2 का मान यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे रख देंगे, पुट कर देंगे, तो रखिए तो k बराबर क्या होगा 2.303 अपान 60 ऊपर क्या है 2 और फिर कितना लाख दो का मान आपको मिल जाएगा, कितना है लाख दो का मान, कितना दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है 0.3010। ये k पता चल गया, आप क्या करोगे, एक सूत्र होता है t हाफ बराबर 6.6932 अपान k, तो k को इधर ले आओ और t हाफ को इधर ले आओ तो अब ज्यादा आसान हो जाएगा, तो k बराबर 0.6932 अपान t हाफ, तो k का मान उठाओ यहां रखो, ये पूरा मान उठा के k की जगह रख दो 2.303 अपान 60 इंटू 2 इंटू 3 0.3010 बराबर 0.6932 अपान टी हाफ। क्या करोगे, ये सब मान उठा के नीचे ले जाओगे और 60 को ऊपर ले जाओगे तो टी हाफ बराबर 0.6932 इंटू 60 और ये मान देखो टी हाफ इधर ले आए और ये सब मान क्या करोगे इसके नीचे ले जाओगे तो 2.303 अपान 2 और ये हो गया 0.3010। इसको मल्टीप्लाई करो जरा 2.303 का 0.3010 से करोगे तो ये 0000 का करोगे सामने 0 आएगा, 1 से करो 3032 फिर 3 3 जा 9 0 3 3 जा 9 3 2 जा 6 0393 और ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 9 2 11 नहीं गलत कुछ कर दिया हम लोगों ने, 3 अंक है ना, अभी तो अभी जी इस 0 से तो पी आई है सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 0000 आप करो 3 3 जा 9 0 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 तो कितना हो जाएगा 0 फिर 3 फिर 0 फिर 1
फिर 3 6 सॉरी फिर ये 9 6 ठीक इतना। तो ऐसा कर लीजिए 9 3 12 होता है, 11 नहीं होता ठीक। ये आ गया मल्टी। अभी देखिए 1 2 3 4 1 2 3 टोटल कितने 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ दसमलव लग गया तो ऊपर आ गया t हाफ बराबर 0.6932 × 60 और इसका इसका मल्टीप्लाई करने में ये आया 0.6 सॉरी कितने स्थान बाद है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ दसमलव आएगा, यहाँ दसमलव आएगा तो दसमलव यहीं लगाइए देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तो सही आया है 6.6932 ही लिखिए यहाँ तक लिखो खाली यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट पॉइंट हटा ये संख्या से ये संख्या कट जाएगी। हाँ ये दो भी है 2 ठीक है ये कट गया कितनी संख्या कट गई 2 × 2 2 × 3 6 और ये 0 तो टी हाफ कितना आ गया 30 कितना समय लगेगा 30 ठीक है 30 मिनट कितना समय लगेगा 30 मिनट आपका ये भी आंसर आ गया। तो इस तरह आपने पहले क्या निकाला प्रथम कोट की अपक्रिया निकाली उसका मान हमने कहाँ रखा अर्धायुकाल में रखा फिर उसको हमने क्या किया बोल्ड मास के द्वारा उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा तब ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आने वाले हैं। तीनों सवाल आप ये समझ लीजिए किसी न किसी सन में आए हुए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में तो आप इस सवालों को जरूर तैयार करके जाइएगा आपको इन सवालों से बड़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए आज के लिए केवल इतना काफी है। जय हिंद जय भारत धन्यवाद।